जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में जमाते इस्लामी हिंद ने महिला अपराध विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया। इसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके कारण और निवारण पर मंथन किया गया और साथ ही प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार कारण और निवारण के प्रयास पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन और महिला सह सचिव रूबीना अबरार सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार इस पूरे देश में हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, राजस्थान में बहुत अत्याचार हैं, बच्चियों पर ख़ास तौर से हैं, और हमारा नौजवान जो है वो इस तरफ जा रहा है कि वो बच्चियों के साथ वो रैप कर रहा है, और उसका उसकी सोच, उसकी समझ वो बिल्कुल असंवैधानिक और अधार्मिक हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारणों को ढूंढ लेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे तो इस समस्या के ऊपर समाधान किया जा सकता है। जैसे कई कारण हैं, शराबखोरी बहुत बड़ा कारण है इसका, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बैड पेरेंटिंग, जो कि एक औरत का सबसे बड़ा मेन काम है, वो अगर उससे दूर हो जाती है तो एक ऐसी जनरेशन आगे बनती है जो कि आगे हमें महिलाओं पर अत्याचार या दूसरे क्राइम्स करने के लिए और उभारती है। तो बहुत सारी रीजंस हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम अगर जो महिला और जो मर्द का जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है, कि अभी बात आ रही है कि सशक्तिकरण की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि महिला जो है कि एक लड़की या एक औरत जो है वो लड़के की बराबरी करे।